ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए कि इसमें क्या है कि एक हम लोगों के पास वायर है, उस वायर से दो रिंग अटैच है। दिस इज द वायर एंड देयर आर टू रिंग वन दिस वन एंड वन रिंग इज दिस वन। इंस्टेंटेनियस पोजीशन में दिखा रहा हूँ। और ये यहाँ से एक ब्लॉक अटैच है एंड द ब्लॉक इज गोइंग डाउनवर्ड इन दिस सिचुएशन। तो हम लोगों को निकालना है बेसिकली फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक एम विद इन स्ट्रिंग की स्पीड अगर वी है तो ब्लॉक की स्पीड मान लेते हैं कुछ यू है और इसकी हम लोगों की कैलकुलेशन करनी है, बराबर है। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों को बेसिकली ये जानना होगा कि स्ट्रिंग के अलोंग जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है। मान लो ये वाली जो रिंग है इसकी स्पीड या वेलोसिटी इधर है, ठीक है, तो इस ये किसी इंस्टेंट अगर एंगल थीटा है, लेट अस सपोज एट एनी इंस्टेंट इट्स एंगल इज थीटा, तो ये भी ये एंगल 90 है तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो ये जो स्पीड भी था इसका एक कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग आ जाएगा जो होगा बी कॉस थीटा और एक इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा जो होगा आपका वी साइन थीटा। तो ये जो एक कंपोनेंट जो स्ट्रिंग के अलोंग आया और जो ब्लॉक है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है उसको मैं यू कंसीडर कर लिया। तो हाउ मच दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा, ये स्ट्रिंग के अलोंग वाला जो लाइन है अगर एंगल ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये भी तो एंगल 90 माइनस थीटा होगा, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा। अब यहां पर आप देखोगे कि ये जो स्पीड ब्लॉक का स्पीड, देखो ब्लॉक का स्पीड यू डाउनवर्ड है तो यू के कंपोनेंट आ जाएंगे, एक कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग आ जाएगा जिधर स्ट्रिंग है दैट इज यू कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज ये आ जाएगा यू साइन थीटा। थीटा इज द इंस्टेंटेनियस एंगल विथ हॉरिजेंटल या वायर विथ स्ट्रिंग और ये एक परपेंडिकुलर इधर परपेंडिकुलर आ जाएगा जो हमें जरूरत नहीं है, दैट इज यू साइन 90 माइनस थीटा दैट इज यू कॉस थीटा। तो ये वाली परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी आ जाए। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि along the string, along the string speed remains same, along the string speed हमेशा same होती है, speed remains same। तो अगर speed same होती है तो अपनी string कुछ ऐसे है भाई, अच्छे से अगर देखोगे तो अपनी string कुछ ऐसे है, ये वाली string यहाँ पर जिसके component की है और एक speed इस string के along और यहाँ से block attach हुआ था नीचे जा रहा, तो एक स्पीड v cos थीटा इधर आ रहा और इसी के एलोंग स्ट्रिंग के एलोंग u sin थीटा आ रहा। तो इस कॉन्सेप्ट से u sin थीटा v cos थीटा के इक्वल होना चाहिए, तो u sin थीटा विल बी इक्वल टू v cos थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि u की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन cos थीटा और यह आ जाएगा sin थीटा। तो फाइनल जो u आ जाएगा तो v cot थीटा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द u, this is the speed of the instantaneous speed of the block, जो रिंग जो है